दोस्तों अगर आपके पास एक एचडी टीवी है या फुल एचडी टीवी है तो और आप प्लान कर रहे हो एक स्मार्ट टीवी लेने का, तो रुक जाइए, ब्रेक लगा दीजिए आपके डिसीजन में, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूं एक S96 एंड्रॉइड बॉक्स। और आज के वीडियो में करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग, बताऊंगा आपको इसके रिव्यू और इसी के साथ साथ क्या है इसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, नीचे लाल कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा के ग्रे कर दीजिए। इसी के साथ साथ बेल आइकन दबाइए, घंटी दबा के सारे नोटिफिकेशन ले लीजिए हमारे वीडियोस के। और शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें चार चीज़ें मिल जाती है, HDMI केबल, रिमोट, पावर अडेप्टर और ये हमारा फाइनली एंड्रॉयड बॉक्स। और इसी के साथ ही साथ एक क्यूट सा यूज़र मैनुअल। सो दिस इज़ आवर HDMI केबल, क्वालिटी इज़ रियली गुड। देन एक क्यूट सा रिमोट, छोटा सा, मतलब एक हाथ देख रहे हो बस इतना सा साइज़ है इसका, मतलब एक मेरे पाम के साइज़ का है ये रिमोट। और उसके बाद ये हमारा पावर अडेप्टर, और ये रहा हमारा S96 Max 4K Ultra HD Android बॉक्स। और बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली गुड। और यहाँ पर कुछ पोर्ट्स दिए गए हुए हैं, आपको इसके स्टिकर निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट साइड में आपको S96 Max के ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी, और ये काफ़ी कलरफुल है और आप देख सकते हो दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी इसकी डिज़ाइन। और बात कर ले यहाँ पर इसके पोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक AV पोर्ट मिल जाता है, HDMI पोर्ट, ईथरनेट केबल एंड देन यहाँ पे आपका पावर के लिए जो DC का ऑप्शन दिया गया है। ये साइड में कुछ नहीं दिया है, ये साइड में भी कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर आपको एक माइक्रो SD कार्ड कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ ही साथ दो USB पोर्ट दिए गए हैं, तो जिसके थ्रू आपके एक्सटर्नल कीबोर्ड या माउस लगा के कनेक्ट करके इस डिवाइस को आपकी TV कंप्यूटर भी बना सकते हो। और पीछे के साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको CPU RK3318 और OS Android 9 लेटेस्ट वाला पाई वाला यूज़ किया गया है। और बात कर ले यहाँ पर RAM की, तो 4GB RAM दिया गया और जो इंटरनल स्टोरेज है 64GB का दिया। हालांकि इसमें एक और वेरिएंट आता है जिसका जिसमें आपको 2GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे जो चार्जर आपको मिलता है उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और जो वायर है इसका एकदम सफिशिएंट दिया गया, मतलब इजीली आप कनेक्ट कर पाओगे आपके, तो लगभग 1 मीटर का वायर दिया गया है इसके साथ में। और बात कर ले यहाँ पर सप्लाई आउटपुट की, तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट का आउटपुट देखने मिलेगा। और दोस्तों बॉक्स के अंदर मुझे ये एक लीफलेट मिला हुआ है जिसमें मतलब ऑफर्स की सारी जानकारी दी गई। तो आप bango.com पे हमेशा सेल्स चलते होते हैं, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिए कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदने के वक्त, या कुछ भी आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हो तो bango.com को ज़रूर कंसिडर कीजिए। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं हमारे टीवी के पास, और कैसे इसको कनेक्ट करते हैं और क्या क्या इसमें ऐप्स आपको देखने मिलेंगे सब कुछ देख लेते हैं इसी वीडियो में। यहाँ पर मैंने YouTube सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आपका कोई भी सीरियल या कुछ भी आप देख सकते हो जो यूजुअली आप YouTube पे देखना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही प्ले कर देता हूँ। और आप देख लेते हैं किस ढंग से 4K कंटेंट प्ले होते हैं। होम स्क्रीन पर अगला ऑप्शन है गूगल प्ले स्टोर का, तो यहाँ पर आप अगर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे ऐप्स दिख जाएंगे और परफेक्टली चलते हैं यहाँ पर, और काफ़ी ऐप्स यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे फुल वर्जन आपको प्ले स्टोर का देखने मिलेगा। होम स्क्रीन पर यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन है माई ऐप्स का, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो ऐप प्री इंस्टॉल आएंगे जैसे अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, सारे के सारे यहाँ पर मेंशन है। होम स्क्रीन में आपको ब्राउजिंग फीचर का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू आप ब्राउज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट आपको लैंग्वेज आपका सेलेक्ट करना है।
और यहाँ से आप ब्राउजिंग भी कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर सेटिंग्स का, तो सेटिंग्स में आपको यहाँ पर वो जो वाईफाई जो आपका कनेक्टेड रहेगा वो आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ डिवाइसेस प्रेफरेंस का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर डिस्प्ले, ब्लूटूथ, डेट एंड टाइम भी अगर आपको सेट करना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। देन लैंग्वेज, कीबोर्ड, साउंड इनपुट, इस तो ये बहुत सारे ऑप्शन है जो यूजुअली आपको एक आपके स्मार्ट डिवाइस में या स्मार्टफोन में भी देखने मिलते हैं, तो सेम ऑप्शन यहाँ पर भी है। तो दोस्तों हम सभी ने देखा कि कितने अच्छे इस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है हमारा ये S96 एंड्रॉइड बॉक्स। और यहाँ पर आपको यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स जो हमारे चाहते कंटेंट प्रोवाइडर है सभी अच्छी तरह से काम कर रहे। इसी के साथ ही साथ इस डिवाइस के थ्रू आप ब्राउजिंग भी कर सकते हो, आप एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस लगा के अच्छे से कंप्यूटर की तरह आपके टीवी को यूज़ कर सकते हो। तो इतनी सारी फैसिलिटी या इतना अच्छे फीचर्स आपको ये एंड्रॉइड बॉक्स दे रहा है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको प्रोस क्या है और कॉन्स क्या है, मतलब माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट क्या है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रोस में। प्रोस मतलब अच्छे बातों में कि इस एंड्रॉइड बॉक्स में अच्छी बातें क्या हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट होगा यहाँ पर कि इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी अच्छा है देखने में, और आपके घर में ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। मतलब आपका सेटअप बॉक्स के कंपेरिजन में ये उसका हाफ के हाफ साइज़ का भी है, मतलब पतला भी है और छोटा भी है, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। इसी के साथ ही साथ फुल वर्जन गूगल प्ले स्टोर देखने मिलता है, जिसके थ्रू होगा कि आपको जितने ऐप्स हैं काफ़ी हद तक आपको अवेलेबल होंगे। जब भी आप सर्च करोगे तो आपको ऐसा नहीं रिग्रेट नहीं होगा कि ये ऐप्स क्यों लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे फुल वर्जन गूगल प्ले स्टोर देखने मिल जाएगा। और तीसरा पॉइंट होगा इसकी प्राइसिंग। प्राइसिंग भी काफी अच्छी रखी है, मतलब आपको 64GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB का रैम आपको मिल रहा है इस डिवाइस में, और उसकी प्राइसिंग लगभग रखी है 2400 रुपए से लेकर 2600 रुपए banggood.com पे अवेलेबल है। और आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं कि अगर आप Banggood से मंगा रहे हो तो आपका कस्टम में अटक जाएगा या वो चाइना से शिप करे, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो और आप वहां से ऑर्डर भी कर सकते हो। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। तो प्राइसिंग बहुत अच्छी रहेगी, तो ये तीन प्लस पॉइंट है इस डिवाइस के मेरे हिसाब से। और अब बात कर लेते हैं यहां पर माइनस पॉइंट जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस डिवाइस को यूज करते वक्त। तो यहां पर सबसे पहला माइनस पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया जो है उसका हीटअप, मतलब अगर आप डिवाइस को यूज करो तो थोड़ा गर्म हो जाता है। हालांकि आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन वो डिवाइस जो है थोड़ा गर्म हो जाता है, तो ये मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं डिवाइस यूज कर रहा था। दूसरा माइनस पॉइंट होगा कि यहाँ पर जो रिमोट दिया हुआ है वॉइस अनेबल रिमोट नहीं। अगर वॉइस अनेबल रिमोट होता तब तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आप जब भी बार बार सर्च करोगे तो आपको नेविगेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने महसूस किए। तो मुझे लगता है कि वो अगर वॉइस अनेबल रिमोट के थ्रू अगर इसको सॉल्व की जाए तो बहुत अच्छा होगा। और माइनस पॉइंट में लास्ट पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोग ने अगर रिमोट इतना अच्छा दिया है तो उसके बाद बैटरी भी दे देते यार, बैटरी क्यों नहीं दिया। तो ये भी मैं इंक्लूड करना चाहूँगा इसके माइनस पॉइंट में। तो अगर आप S96 मैक्स से कोई भी देख रहा है तो ये फिर आप लोग भाई बैटरीज भी दिया करो, क्योंकि बैटरीज अच्छी नहीं लगती। मतलब मैं पूरा सेटअप वेटअप करके रेडी हो गया था, बाद में देखा तो बैटरीज ही नहीं है, तो मुझे जाके बैटरीज लेने पड़े, तो फिर आप लोग भाई बैटरी भी दे दिया करो। तो ये प्रोज एंड कॉन्स से इस प्रोडक्ट के बारे में। और इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है, एक 4GB 64GB इंटरनल और एक 2GB रैम और 632GB इंटरनल। और इसकी प्राइसिंग जो है 2GB वाली 32GB इंटरनल उसका प्राइसिंग लगभग कुछ 1900 रुपये के आसपास है, और जो 4GB 64 वाला है उसकी प्राइसिंग 2400 रुपये से लेके 2600 रुपये तक हो जाएगी। प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है कभी कभी, तो आप banggood.com पे जाके अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहां से आप चेकआउट करके परचेस कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आपके पास HDTV या Full HD TV है तो ये बहुत अच्छा कन्वर्टर होगा आपके HDTV या Full HD TV को स्मार्ट टीवी बनाने के। आप 4K कंटेंट भी एकदम अच्छे से एंजॉय करके देख सकते हैं। YouTube मिलेगा, Amazon Prime मिलेगा, Netflix मिलेगा, जो हमारा चहता एकदम बोलते हैं जाना माना कंटेंट प्रोवाइडर है, तो इस पे तो आज की पूरी इंडिया टिकी हुई है, तो सबको पसंद है Amazon Prime और Netflix आज के जमाने में। तो ये अगर आपका प्लान है कि भाई स्मार्ट टीवी नहीं लेना है तो ये डिवाइस आपके लिए परफेक्ट होगा। 2500 खर्चे करो और मस्त अपने नॉन स्मार्ट डिवाइस को स्मार्ट डिवाइस बनाओ। और इसी के साथ ही साथ आप इस डिवाइस को गेमिंग कंसोल की तरह भी यूज कर सकते हो, मतलब कुछ गेम वगैरह भी खेलना है तो आप इस डिवाइस में मतलब प्ले स्टोर में जाओ, गेम डाउनलोड करो और खेल सकते हो। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज होगा कि आपको गेम भी खेलने मिले, मतलब आप कंटेंट प्रोवाइडर के साथ मतलब यूट्यूब, इस अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स के साथ ही साथ आपको गेम्स वगैरह भी खेलने मिलेगा इसी डिवाइस में। तो भैया और क्या लोगे 2500 रुपये के कॉस्टिंग में।
तो दोस्तों आपका क्या मानना है इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक किए बिना तो जाना ही नहीं। और इसी के साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, शायद उनको कुछ पैसे बच जाए अगर वो स्मार्ट टीवी लेने का प्लान कर रहे हैं। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। और उसी के साथ साथ बेल आइकन तो दबाना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे तो आप वीडियो देखोगे कैसे। तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए और इस मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आईडी हैप्पी गाइड। बाय बाय।